Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes, Goswami Classes. दोस्तों आज मैं आपको कैथरीन मैंसफील्ड की स्टोरी द फ्लाई पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस और कुछ फ़ोन कॉल्स आए और जो साथी हैं उन्होंने पूछा कि सर LT ग्रेड इंग्लिश का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वाइड है, कैसे हम प्रॉपरली तैयारी करें, इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करें और हमने तो इतना कुछ पढ़ा भी नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो जो साथी ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत जो है दोस्तों वो बहुत स्टार्टिंग से ही होती है। कोई भी अनुभव को एक साथ प्राप्त नहीं कर लेता। अगर आप ये सोचकर कि इतना वाइड है कैसे मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये सोचकर आप अपनी तैयारी ही ना स्टार्ट करें तो क्या पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे? बेशक आप एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे लेकिन उसमें पास नहीं हो पाएंगे। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग नहीं की है तो कठिन कार्य मत समझिए कि आप सोचे कि इतना वाइड है तो कैसे होगा, सब हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर जो आप थोड़ा थोड़ा करके चलते रहेंगे ना तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने इस सिलेबस को भी कवर कर पाएंगे और जो आपने एक उम्मीद खुद से लगाई है तो वो भी पूरी हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो सपना है वो ऐसे ही साकार नहीं होता। इसके लिए हमें खुद को पूरा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो दोस्तों खुद को स्ट्रांग बनाइए और एक जिद अपने अंदर जगाइए इस चीज़ की कि मुझे ये चीज़ करनी है एंड आई कैन, और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दोस्तों वो कहते हैं ना कि मंजिलें भी जिद्दी हैं रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो दोस्तों अपने हौसलों को बुलंद रखिए, इनको रुकने और झुकने नहीं देना है। वो एक डायलॉग है ना पुष्पा मूवी का कि झुकेगा नहीं, तो वही सिचुएशन है दोस्तों, आपको भी झुकना नहीं है। किस चीज़ के आगे? सिलेबस को सोचकर, परिस्थितियों को सोचकर झुकना नहीं है, केवल आगे बढ़ना है, सफलता की तरफ देखना है। और वही पंक्तियां जो मेरे जीवन का आदर्श हैं उनको भी आप अपने जीवन का आदर्श बनाने की कोशिश करें। वैसे तो सबके जीवन की अलग अलग आदर्श पंक्तियां होती हैं लेकिन दोस्तों इन पंक्तियों का बहुत गहरा सार है जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ, एक युद्ध और लड़ूंगा जो कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। तो ऐसा सोचकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले अगर जो हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं कि ये हम कर पाएंगे और कर सकते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। लेकिन जहां आप नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, जहां आपकी जो सोच है वो ऐसी हो जाती कि मेरे बस की नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो है कि थिंक पॉजिटिव, कि सकारात्मक सोचिए और ये सकारात्मकता आपको आपकी सफलता की तरफ जरूर लेकर जाएगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जो आज की हमारी ये वीडियो है और जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द फ्लाई बाय कैथरीन मैंसफील्ड। ये जो स्टोरी है ये कैसी स्टोरी है? तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन, क्योंकि कहानी के साथ साथ आपको पता ही है कि मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ चलता हूँ जो एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। तो ये किसकी स्टोरी है ये क्लियर हुआ, कैथरीन मैंसफील्ड की स्टोरी है। ये कैसी स्टोरी है? तो योर आंसर विल बी शॉर्ट स्टोरी। दोस्तों आंसर क्या होगा आपका? शॉर्ट स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये शॉर्ट स्टोरी है। द फ्लाई कैसी स्टोरी है? द फ्लाई इज अ शॉर्ट स्टोरी। और ये जो स्टोरी थी दोस्तों ये कैथरीन मैंसफील्ड ने विक्टोरिया पैलेस होटल में लिखी थी पेरिस में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि कहाँ स्टोरी ये लिखी गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया पैलेस
योर आंसर विल बी विक्टोरिया पैलेस। अब ये विक्टोरिया पैलेस है कहाँ? तो दोस्तों पेरिस में है, विक्टोरिया पैलेस पेरिस में। ये स्टोरी लिखी गई थी और कब लिखी थी? 1922 में। इतना क्लियर हुआ? तो ये जो फ्लाई स्टोरी है ये कैथरीन मैंसफील्ड की है। ये इन्होंने कब लिखी? 1922 में लिखी। कहाँ लिखी? विक्टोरिया पैलेस पेरिस में ये स्टोरी लिखी गई थी। और ये जो स्टोरी थी दोस्तों ये पब्लिश हुई थी नेशनल एंड एथेनियम में। नेशनल एंड एथेनियम में कब पब्लिश हुई थी? 18 मार्च 1922। मैं लिख देता हूं ये जब कब पब्लिश हुई थी। ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 18 मार्च को। कब पब्लिश हुई थी? 18 मार्च, एंड द ईयर इज 1922। 18 मार्च 1922 में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। तो इसकी जो पब्लिश डेट है दोस्तों वो है 18 मार्च 1922। इसके बाद में ये सब्सिक्वेंटली दोस्तों द डव नेस्ट एंड अदर स्टोरीज के नाम से आता है इनका कलेक्शन, उसमें 1923 में पब्लिश हुई थी। तो 1922 और रेस्पेक्टिवली 1923 में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। अब ये स्टोरी किसके बारे में है दोस्तों? दिस इज द स्टोरी अबाउट द डेथ ऑफ अ सोल्जर। ये एक सोल्जर की मृत्यु के बारे में है, हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जिसकी डेथ हुई थी उसके बारे में है। और अगर जो हम ऑटोबायोग्राफिकल टच देखें तो मैंसफील्ड के यंगर ब्रदर जो कि ड्यूरिंग वॉर मारे गए थे तो उनको भी ये रिलेट करती है, लेकिन राइटर ने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों इतना क्लियर हुआ आपके, तो हम आगे बढ़ें। देखिए द फ्लाई इज अ शॉर्ट स्टोरी, फ्लाई एक शॉर्ट स्टोरी है। मैंसफील्ड रॉट द स्टोरी इन फैब 1922। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मैंसफील्ड ने स्टोरी कब लिखी थी, 1922 में ये स्टोरी लिखी गई थी एट द विक्टोरिया पैलेस होटल इन पेरिस। कहाँ पर? विक्टोरिया पैलेस होटल में, पेरिस में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन नेशनल एथेनियम ऑन 18 मार्च 1922। सबसे पहले ये नेशनल एथेनियम में 18 मार्च 1922 में पब्लिश हुई, एंड इन द डव्स नेस्ट एंड द अदर स्टोरीज में ये 1923 में रेस्पेक्टिवली आई। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे जो फ्लाई के कैरेक्टर्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके भी अपनी जो राय है वो दें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, क्या आपको समझ आता है नहीं आता। दोस्तों बहुत सारा कलेक्शन आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, UPTGT, PGT और LT ग्रेड इंग्लिश का बहुत सारा कलेक्शन है जो आपको मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप पेड क्लासेस ही ज्वाइन कर रहे हैं तो ही आपको कलेक्शन मिल पाएगा। तो अगर जो आप पेड क्लासेस का हिस्सा भी नहीं है तब भी आपको दोस्तों बहुत सारी वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं वो वीडियोस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगी। और सबसे मेन बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ढूंढने में दिक्कत होती होगी आपको वीडियोस। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, TGT की मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट भेज दूंगा, PGT की पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी, LT ग्रेड इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट हो जाएगी, तो उससे भी आपकी प्रॉपर स्टडी हो पाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल को। और साथ ही साथ फेसबुक पेज का भी लिंक मैं शेयर करूंगा, उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आप उनको ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं UPTGT PGT LT ग्रेड इंग्लिश के, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स की। जो कैरेक्टर्स हैं फ्लाई में, सबसे पहला कैरेक्टर हमारे बीच में आता है मिस्टर वुडफील्ड, जैसे कि आप देख रहे होंगे इमेज में। तो मिस्टर वुडफील्ड का कैरेक्टर है, ये एक रिटायर्ड मैन है हु हैज लॉस्ट हिज सन इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। कब खोया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि मिस्टर वुडफील्ड का कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा द फ्लाई में, ठीक है, जो कि मैंसफील्ड की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है। और किसको, उनको क्या लॉस हुआ था? लॉस ऑफ अ सन, अपने एक बेटे का लॉस हुआ था। कहाँ? इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया, कैरेक्टर्स हमने बात करी, मिस्टर वुडफील्ड का कैरेक्टर आपको क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉस का कैरेक्टर, द बॉस।
बॉस कौन है दोस्तों? द बॉस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। बॉस जो है इस कहानी का मुख्य किरदार है। बॉस इस कहानी का कैसा कैरेक्टर है? एक मेन कैरेक्टर है जिसने अपने बेटे को खोया था। बॉस ने भी अपने बेटे को खोया था। कहाँ? इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अपने बेटे को बॉस ने भी खोया था, जस्ट लाइक वुडफील्ड, बिल्कुल वुडफील्ड की तरह। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है मैसी का कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर? मैसी का कैरेक्टर। मैसी कौन है? मैसी की अगर जो हम बात करें तो मैसी क्लर्क है, मेन क्लर्क है उस ऑफिस में जो बॉस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, बॉस के द्वारा रन किया जाता है। तो उस ऑफिस का जो मेन क्लर्क है वो कौन है? वो मैसी है, मिस्टर मैसी के नाम से इनको जाना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों फ्लाई, जैसे कि टाइटल है स्टोरी का द फ्लाई, तो फ्लाई को सिंबॉलिकली, जिसको हम एलिगोरिकली प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं, तो उसको प्रेजेंट किया गया। लेकिन यहां पर फ्लाई को ऐसे नहीं कि केवल सिंबॉलिक रूप में दिखाया गया है, फ्लाई को मेंशन किया गया है, स्टोरी में दिखाई गई है फ्लाई। फ्लाई का रोल भी है लेकिन वो रोल हमें एक मैसेज देता है। अब वो क्या मैसेज देता है, जब आप स्टोरी समझेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि इस मक्खी का क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल है इस मक्खी का। द फ्लाई प्लेज द सिंबॉलिक पार्ट ऑफ हीलिंग पेन। अगर जो हम शॉर्ट में कहें, अगर जो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या मेन रोल है, तो आपका आंसर होगा सिंबॉलिक पार्ट ऑफ हीलिंग पेन। ये एक सिंबॉलिक पार्ट प्ले करती है किस चीज को हील करने का? दर्द को हील करने का। ये काम कौन करती है? फ्लाई करती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है रैगी का कैरेक्टर। अब ये रैगी कौन है? रैगी की बात करें तो रैगी बेटा है किसका? वुडफील्ड का, जिसकी डेथ कहां हो गई थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जिसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों रैगी और बॉस दोनों के बेटे जो थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, दोनों के बेटों की डेथ हो गई थी, ठीक है ना? ये क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे बीच में आता है गर्ट्रूड का कैरेक्टर। गर्ट्रूड कौन है दोस्तों? इज वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ वुडफील्ड। ये वुडफील्ड की डॉटर है, वुडफील्ड की एक डॉटर्स में से है गर्ट्रूड। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस कहानी की थीम क्या है, जो शॉर्ट स्टोरी है द फ्लाई, इसकी मेन थीम्स क्या है? तो वॉर है, ग्रीफ है और लॉस है। वॉर, ग्रीफ एंड लॉस, दीज आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी, दिस शॉर्ट। और इसके साथ साथ दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी हमें ये भी बताती है कि टाइम हील्स ईच एंड एवरी पेन ऑफ लाइफ। जो समय है ना वो जीवन के हर दर्द को भर देता है, दर्द कैसा भी हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है वो दर्द जो है, जो उस दर्द के जख्म होते हैं उन, वो भर जाते हैं धीरे धीरे और वो सब कुछ सही हो जाता है। वो देखो जो लॉस हो गया उसको तो पा नहीं पाते, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जो है वो चलने लगती है। आपने देखा होगा कोई चला गया, क्या जीवन का अंत हो जाता है? क्या हम अपने काम करना बंद कर देते हैं? दोस्तों जीवन तो हम फिर भी करते हैं ना, बस उसकी यादें रह जाती हैं। तो वही चीज है यहां पर, जो मेन थीम्स की बात की गई तो वॉर, ग्रीफ एंड लॉस, ये मेन थीम्स हैं। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अब स्टार्ट करेंगे हम स्टोरी द फ्लाई बाय कैथरीन मैंसफील्ड। दोस्तों मिस्टर वुडफील्ड का जो कैरेक्टर है, मिस्टर वुडफील्ड यहां पर जो है रिटायर्ड है और एक हार्ट पेशेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस्टर वुडफील्ड को कौन सी बीमारी है? तो आपका आंसर होगा हार्ट पेशेंट। मिस्टर वुडफील्ड हृदय के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और वो रिटायरमेंट के बाद में अपने बॉस के यहां पर आते हैं। किसके पास जाते हैं? वो बॉस के पास जाते हैं और अपने एक्स बॉस के पास जाते हैं। मिस्टर वुडफील्ड की बात करें तो मिस्टर वुडफील्ड को एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक तो ये हार्ट पेशेंट है ही, इसके साथ साथ इनको भूलने की भी बीमारी है। ये चीजों को भूलते भी हैं। गजनी याद है आपको मूवी? तो जैसे गजनी में वो आमिर खान भूल जाता था ना, ऐसे ही थोड़ा, बिल्कुल पक्के तो उस तरह से तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन ये थोड़ा बहुत भूलते जरूर हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये बॉस के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो जो ऑफिस था जो पुराना था उसमें बहुत सारी चीजें बदलाव हो चुकी हैं, बहुत कुछ बदल गया है। और उस बहुत कुछ में उसकी डेकोरेशन बदल चुकी थी, जो ऑफिस का फर्नीचर था वो चेंज हो चुका था। तो उसको देखकर वो बॉस से कहते हैं, भाई आपने तो बहुत कुछ चेंज कर दिया, बहुत कुछ बदलाव आ गया। और तो बॉस भी उससे कहते हैं कि बदलाव ही तो जीवन का नियम है और बदलाव तो जरूरी है। उसके बाद जो बॉस हैं
वो मिस्टर वुडफील्ड को बैठने के लिए कहते हैं और मिस्टर वुडफील्ड को वो विस्की ऑफर करते हैं, ठीक है ना, वो शराब ऑफर करते हैं मिस्टर वुडफील्ड को, जो विस्की है उसको मिस्टर वुडफील्ड पीते हैं। और उस समय कुछ बात थी जो उनके दिमाग में चल रही थी, मिस्टर वुडफील्ड के दिमाग में, कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बताना है, तो वो लेकिन बता नहीं पा रहे थे अपनी बात को। लेकिन जब वो वाइन पी लेते हैं, उस शराब को पीने के बाद में जो चीज़ उनके दिमाग से उतर रही थी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनको भूलने की थोड़ी बीमारी है, तो जो चीज़ इनके दिमाग से उतर रही थी वो इनको याद आ जाती है। और जब वो चीज़ याद आती है तो वो बॉस को बताते हैं कि उसकी जो बेटियाँ हैं वो अपने बेटे, मतलब यानी कि वुडफील्ड के बेटे की कब्र पे गई थी। और वो ये कहते हैं कि जब वो उसकी कब्र पर गई थी तो वो साथ साथ बॉस के बेटे की कब्र पर भी गई। और वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके बेटे की, अपने बेटे की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उनका जो बेटा था वो, उसकी डेथ हो चुकी थी। और उस समय जब मिस्टर वुडफील्ड जो हैं ये बात बताते हैं तो बॉस को अपने मृतक बेटे की याद आ जाती है, वो बेटा जो उन्होंने भी खो चुका था। मतलब मैंने आपको बताया कि वुडफील्ड के भी बेटे की मृत्यु हुई और बॉस के भी बेटे की मृत्यु हुई थी, और कैसे हुई थी ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दोनों के बेटों की मृत्यु हुई थी। अब बॉस उस बात को याद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वुडफील्ड ने उनके जो जख्म थे वो हरे कर दिए, ये कह सकते हैं हम कि उनकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया, उनके बेटे के बारे में जो उनकी यादें थीं वो फूट फूट कर अब आ रही थीं। तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, बिल्कुल उस प्रकार का दुख जैसा कि अपने बेटे की मृत्यु के समय उन्होंने फील किया था, ऐसे ही इसी प्रकार का दुख उनको अब फील हुआ। तो तभी क्या करते हैं वो तभी अपने बेटे की फोटोग्राफ की तरफ जाते हैं। और जब वो अपने बेटे की फोटोग्राफ की तरफ जाते हैं, और ये तब होता है जब मिस्टर वुडफील्ड वहाँ से चले जाते हैं, और ये जो बॉस हैं ये अकेले रह जाते हैं और अकेले कमरे में बिल्कुल बंद हैं और किसी को भी आने की परमिशन नहीं देते। तो उस समय ये अपने बेटे के फोटो की तरफ जाते हैं और उसको याद करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, जो कहानी का टाइटल है द फ्लाई, अब ये टाइटल जिंदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि दिस टाइटल इज एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी, क्योंकि ये जो फ्लाई टाइटल है अब ये मोड़ लेगा। कैसे? यहां पर जो बॉस हैं, बॉस का जो ध्यान था वो अपने बेटे की तरफ था, उसके फोटो की तरफ था, लेकिन अचानक से बॉस का ध्यान वहां से हटता है और किसकी तरफ आ जाता है? बॉस का ध्यान आ जाता है एक फ्लाई की तरफ, एक फ्लाई। और फ्लाई क्या थी? फ्लाई इंक पोर्ट में गिर गई थी, ठीक है ना, एक इंक पोर्ट वहां पर थी और वो इंक पोर्ट में फ्लाई गिर गई थी और उससे निकलने की वो कोशिश कर रही थी। तो उस समय वो अपने बेटे के बारे में भूल जाते हैं, और जब वो कोशिश कर रही थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही उस फ्लाई को इंक पोर्ट से बाहर निकाल दिया और उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पर रख दिया। किस पे रख दिया दोस्तों? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पर रखा? एक ब्लॉटिंग पेपर पर उस फ्लाई को रख दिया। अब जैसे ही फ्लाई उड़ने को हुई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से उसके ऊपर इंक डाल दी, फ्लाई के ऊपर इंक डाल दी। और अब फ्लाई जो थी वो संघर्ष कर रही थी उड़ने का, जाने का। और उसके बाद दोस्तों वो जो ड्रॉप इन्होंने इंक की डाली, फाइनली उससे क्या होता है, उससे वो जो मक्खी है, वो जो फ्लाई है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, उसकी क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। और इसी चीज से वो रिमेंबर करते हैं कि चीजें जो हैं, जो मृत्यु है वो एक सत्य है, जो मृत्यु है वो एक सत्य है और वो आनी ही आनी है, मृत्यु आनी आनी है। जैसे कि वो जो फ्लाई थी, फ्लाई ने क्या की, खूब कोशिश की, खूब निकलने की कोशिश की, लेकिन जब संघर्ष जीवन के बढ़ जाते हैं तो एक दिन मृत्यु समीप आ जाती है और उस समय हमें अपने प्राणों को त्यागना होता ही है और फिर सब कुछ
भूलना होता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने फिर उस पुराने ब्लॉटिंग पेपर को हटाकर नया ब्लॉटिंग पेपर वहां पर रख दिया और वो उस फ्लाई को भूल गए, उसी तरह से वो सोचते हैं कि उनको अपने डैड सन के बारे में भी सब कुछ धीरे धीरे भुलाना होगा। और जो समय है वो सबसे बड़ा मरहम होता है और ये हर जितने भी घाव होते हैं उनको भर ही देता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी द फ्लाई बाय कैथरीन मैंसफील्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं TGT, PGT या LT ग्रेड इंग्लिश के, तो आप मुझे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।